तुम लोगों को हम हंसाते भी रहते हैं, हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, दुनिया बदल जाए, हम जैसे हैं तुम्हारे हैं। प्रणाम। प्रणाम, क्या नाम? प्रिया। कहाँ से हैं आप? मैं, वैसे तो हम यूपी से हैं पर वडोदरा में, यूपी मेरठ मुजफ्फरनगर। अच्छा, वडोदरा रहते हैं। हाँ जी। जय सियाराम। जय सियाराम। हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो, क्या अर्जी है आपकी? पहले तो मम्मी पापा की तबीयत ठीक रहे, और भैया हैं मेरे से बड़े, मेरी शादी 2016 में हुई थी, भैया की 6 महीने बाद ही हुई थी, पर अभी तक बच्चा नहीं है, मुझे बेटी है। नजदीक आओ। तो आप क्या चाहते हैं, पुत्र हो? एक बेटी एक बेटा, वैसे तो कोई बेटा बेटी एक बराबर ही है, पर अभी घर में एक बेटी है तो एक बेटा हो जाए। आपकी तो ये मंगल कामना है? हाँ जी भैया को, बाकी कुछ भी भगवान प्रभु। ठीक है, तो भैया आ जाएंगे धाम पर? हाँ जी जरूर आएंगे। ठीक है, हमने आपके लिए श्री गणेश से लिखा, क्या आप शिव साधना करती हैं? हैं? वहाँ से श्री गणेश, रोइए मत, चुप हो जाइए। शिव साधना करती हैं, भाई का दरबार में प्रश्न लेकर आई, पुत्र योग बनेगा, चिंता ना करें, वह मंगल काज पूर्ण हो गया, आशीर्वाद। प्रभु जी मेरा भी एक है जी, मेरी 2016 में शादी हुई थी, बेटी है, उनको बेटा चाहिए था। अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है जी, बहुत मारपीट भी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ये आप नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, नंबर 2 पे ये हम करवा देंगे, ये नंबर 2 लिखा, ये पति के बारे में लिखा, सामंजस्य करवा देंगे। कहाँ समझ नहीं आया? से दूर हैं, सामंजस्य चाहते हैं, लेकिन मुश्किल है, बहुत ईर्ष्या करते हैं, मारने के लिए बोलते हैं, वाह बहुत धमकी देते हैं, ठीक है, और ये भी करते हैं, ये भी लगाते हैं, हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, ये भी करते हैं, आपको बुरा मत मानना, माइक से बोलने योग्य नहीं है, उनका कहना है ये नहीं है उनका, इनके लिए ठहराते, फिर इसके बेटी के लिए कहते हैं वो। हाँ, 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 हाँ। माइक, अब माइक नजदीक। हाँ जी, हाँ जी, सत्य बात है। हाँ जी, मतलब वो स्वीकार नहीं करते, अब सीधी भाषा में ये है, 3-3.5 साल से अलग हूँ, पर एक बार भी अपने बच्चे के बारे में पूछा नहीं उसने। जी, तो उनका ये मानना है जो हमने ये लिखा है, ठीक है, पर ऐसा है नहीं, बात अलग है, लेकिन हाँ, उनका मानना, हाँ, हमने उनका मन पढ़ के, उनकी जो विचारधारा है वो लिख करके आपको परिचय पर दी है, हाँ जी, और ये उनका मानना है। हाँ जी, आप भाई को धाम भेजो, शिव साधना बढ़ाओ। हाँ जी। हमें आप अभी इस विषय के लिए समय दो, क्योंकि हाँ, गुरुजी ने अभी कोई भी प्रतिउत्तर हमें ठीक नहीं दिया। हाँ, हम अपने गुरुजी से चर्चा करके मंगलवार की पेशी आप 21 करें। हाँ, पेशी जिन जिन के पर्चा बन गए उनको धाम आना पड़ेगा, और उनको पेशी करना पड़ेगी, तभी कृपा होगी, नहीं तो काम सफल नहीं होगा। तो आप धाम पहुंचे, प्रसाद हमें स्वीकार है, उनको पंडित जी को दे दो आप। मुझे एक बात कहना चाहती हूँ प्लीज, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा नंबर आ जाएगा, बिल्कुल भी, मतलब मुझे वीआईपी पास कल मिला, पता नहीं, मतलब जान जिन्होंने लाके दिया वो ही नहीं आए हैं। वीआईपी पास मतलब पैसों से कि फ्री? नहीं नहीं, फ्री में ही, पर मुझे मुझे लगा मैं पीछे आपके दर्शन हो जाएंगे, बस बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हमारे यहाँ वीआईपी नॉन वीआईपी कुछ है नहीं है, पर फिर भी मतलब मैं तो पास। अच्छा, वीआईपी पास वाले कितने बैठे हैं? बिना पास के कितने बैठे, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बिना पास के हैं, अच्छा तो ठीक है, हमें लगा तो कि सब पास वाले या बैठ गए, ऐसे में कल के दिन ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, आगे आगे बैठाए गए बाबा के दरबार में वीआईपी पास वाले, उनके ही बन पाए पर्चे जिनके पास था पास। और ये न्यूज वाले भी बहुत अद्भुत होते हैं, हम जानते हैं, इसलिए हमने कहा पहले ही निर्णय कर लो, देख लो, फिर बाद में ना कहियो। प्रभु जी, बेटी भी है काव्या, बालाजी कृपा करें। चलो, तुम्हें
और बाबू जी एक चीज और बोलनी थी कि आप जैसे बोलते हैं ना वैसे ही बोलिए, आपने बोलने का तरीका मत बदलिएगा, बहुत प्यारे लगता है। थैंक यू। अब बस इसके बाद अब पुनः पीछे से चलते हैं। सीताराम क्या प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न नहीं है। मैं बहुत मतलब अच्छे से भगवान जैसे रख रहे वैसे मैं रह रही हूँ। मैं एकदम बेफिकर हूँ और मुझे पता है क्योंकि कि मेरी चिंता करने वाले मेरे कष्ट भंजन देव साड़ंगपुर में जो बैठे हैं हनुमान जी महाराज, वो ऐसे हाजरा हजूर बैठे, वो मेरी चिंता करने वाला बहुत बड़ा बैठा है। मुझे कोई कभी चिंता करनी, मेरे मतलब सवाल ही नहीं है, मुझे कोई लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। अप्स एंड डाउन्स थोड़े आते रहते हैं लेकिन हंसते मुंह फेस। अभी गुरु उन्हें बनाया है तो गुरु के गुण भी तो आने चाहिए ना। गुरु के गुण है पूरे पूरे। हाँ, गुरु के गुण है। हाँ, गुरुदेव का नाम क्या है? कष्ट भंजन देव हनुमान। हमने लिखा घर पे कृपा रहेगी, कोई प्रश्न नहीं, दरबार बालाजी से जुड़े कष्ट भंजन से कोई प्रश्न नहीं बोलेंगी, उनकी कृपा बनी रहेगी। सही है एकदम। आपको पता है मैं आपका वेट कैसे कर रही थी? 3 बजे से मैं कर रही थी, मैं गरबे खेल रही थी इधर ऐसे कूद कूद के, मैं गरबे खेल रही थी, बहुत ही ज्यादा आपका वेट कर रही थी। मैं पीछे बैठी थी, पीछे से आगे आगे आगे, और कब आप मुझे बुलाओ, मैं कब से मतलब ऐसे राह देख रही थी कि आप मुझे कब बुलाओ, और फाइनली हो ही गया, आपने मुझे बुला ही लिया। आज का जो मेरा जीवन में खूब भक्ति बढ़ी रहे, बालाजी की बड़ी करुणा है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली आपने, हम सामूहिक अर्जी लगा दें बहनों, आप वहाँ बेची जाओ, तुम वहाँ बेची। आपका नाम इधर लिख के दोगे जरा ऑटोग्राफ जैसा कुछ? इस पे नहीं लिख कर सकते, अलग कागज। हाँ, ये दरबार वाला है ना। हाँ, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो।